ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। देखो कितनी सहज सी बात है, रह रहे पुरानी दुनिया में, ठीक है, हमें बनना है सर्वगुण संपन्न। पेपर भी वैसे ही आएंगे कि ये वाला गुण आपके अंदर है नहीं है। अब मान लो गुणों में क्या है कि आपके अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए, 8 गुण याद हैं, मधुरता भी होनी चाहिए, अंतर्मुखता भी होनी चाहिए, धैर्यता भी होनी चाहिए, निर्माणता भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हैं तो उस समय गुणों को किनारे करके किसके साथ चलते हैं, कौन है साथ चल रहे फिर? उस समय की एक्टिविटीज जो होती है वो गुणों वाली तो नहीं होती है। तो माना हम अपने गुणों को वापिस से अपने जीवन में लाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। सोचते हैं ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली कहां से आएंगे? जब कोई सिचुएशन आती है तभी तो पता चलता है कि आपके अंदर ये वाला गुण है या नहीं है। मान लो आपको कहा जाए साइलेंस में रहिए, पर आप वापिस वाचा में आने लगे तो माना साइलेंस का गुण तो आपके पास नहीं है। आपको कहा जाए अंतर्मुखी हो जाइए, नहीं है, इसका मतलब आप बाह्य मुक्ता में बहुत आते हैं, वाचा में बहुत आते हैं, अंतर्मुखी नहीं हो पाते हैं, माना नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि सबके साथ बड़ी मधुरता के साथ, बड़ी स्नेह के साथ, बड़े प्यार से रहिए सबके साथ, इसका मतलब आपको सहन करना पड़ेगा तभी तो आप प्यार से रहेंगे ना सबके साथ। इसका अर्थ क्या हुआ? आपके पास वो गुण अभी इमर्ज रूप में नहीं है। अब ये सारे गुणों का प्रैक्टिकल स्वरूप आपके जीवन में होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करे हैं, कहाँ कहाँ आपने यूज करे हैं, कहाँ कहाँ आपने सहनशीलता यूज करी, कहाँ मधुरता यूज करी कि सामने ऐसी सिचुएशन थी कि ऐसा बस क्या कहने, फिर भी आपने मधुरता इस्तेमाल करी। तो वो अनुभव तो आपके पास ही होगा ना। तो सर्व गुण संपन्न हमें बनना है या किसी और को बनना है? फिर भी हम यही कहते हैं वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसी है, वो वैसा है। अब कैसे आपको तालमेल बनाना है? यही तो गुण है, ये भी तो एक तरह का गुण है कि कैसे आप एडजस्ट करते हो, कैसे मिला के चलते हो, कैसे स्नेह भाव से लेके चलते हो, ये भी गुण है। अगर सारे गुणों का आपके पास अनुभव ही नहीं है तो सर्वगुण संपन्न कैसे कहलाए जाएंगे? माना किसी ना किसी गुण की कमी होगी और पीछे आना पड़ेगा। बहुत अच्छी कैलकुलेशन बनाई है कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो ये बनना तो सतयुग में नहीं है। सतयुग में तो ऑटोमेटिकली एक कंप्लीट मॉडल होंगे कि हाँ जी बन गए, लेकिन प्रैक्टिस करने का टाइम तो संगम का है कि संगम पर आपके अंदर ये सारे गुण भी होने चाहिए, ये कलाएं भी होनी चाहिए। तो पुरुषार्थ कहां करना है? पुरानी दुनिया में, माना संगम युग पर, और रहना भी है सबके साथ, मिला के भी चलना है और सर्वगुण संपन्न भी बनना है। मेहनत का काम तो है भाई, बड़ी मेहनत लगती है कईयों को गुणों को अपने जीवन में रखने के लिए। किसी को कहो कि किसी को पलट के जवाब दे दो, उनके लिए बड़ा आसान है पलटवार करना। किसी को कहो चुप रहो, सहन करो, किसी को जवाब मत देना पलट पलट के, कोई बात नहीं। ड्रामा के सीन्स को याद करो, बाबा की शिक्षाओं को याद करो, तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है, तुम्हें देवता बनना है, तो ऐसे करो। पर बड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर किसी को कह दो कि जवाब दे देना तो कितना आसान है। तो बताओ गुण कहां से प्रैक्टिकल होंगे? कहां करने का है? संगम पर। और संगम पर हम किस सब बातों में लगे हुए? व्यर्थ में। कोई चेकिंग ही नहीं कर रहा कि क्या मैं सर्वगुण संपन्न बन गया हूं और किस गुण की मेरे में अभी कमी है। कौन सी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल बात आती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, तालमेल बिगड़ जाता है, मुझे कोई पसंद नहीं आता और दिल करता है किससे बात ना करें। इस तरह की एक्टिविटीज अगर आती है तो देखना तो चाहिए ना क्या बात है अंदर। ठीक है, नहीं मुझे परेशान कर रखा है, मैं परेशान हूं इस वजह से ऐसा, ये तो बहाने हैं भाई। गुणों वाला तो तुम्हें बनना है, बाकी के तो सारे बहाने हैं कि किसने क्या परेशान किया, किसने क्या किया। तो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो सर्वगुण संपन्न किसको बनना है, उसको या आपको? अगर आपको बनना है तो अपने लिए चैलेंज लेके चलिए कि बहुत सारी आत्माएं ऐसी मिलेंगी जो आपके साथ तालमेल नहीं बनाएंगी, फिर भी आप तालमेल कैसे बनाते हैं यही तो कला है।
कैसे आप उनके लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, कैसे आपके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कैसे आप वायुमंडल को चेंज करते हैं, यही तो कमाल का कार्य है जो आपको संगम पर करना है ना। आप से किसी की नहीं बनती, किसी की आपसे नहीं बनती, नॉर्मल सी बात है, दुनिया में भी ऐसे होता है। पर आप अगर सोचने बैठे कि मेरी किससे नहीं बनती, ऐसा कोई दिखाई ना दे आपको, ये विचित्र बात है, तब समझ आ जाएगा कि आप गुणों के साथ व्यवहार में आते हैं। हाँ, कोई एक दो ऐसे होते हैं जेलसी वर्षा आपके साथ करें तो अभी कोई बात नहीं, फिर भी आपके अंदर दूसरे के प्रति ऐसा भाव ही ना उमड़ पाए कि किसी के कल्याण का, तो समझ जाना चाहिए कि आप गुणों में मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।